मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण था, चांद लाल हो गया था। इसी रात उत्तर भारत में करीब 2 बजे के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बड़ी बात यह है, इस चंद्र ग्रहण से पहले ही कई ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि जब जब एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ते हैं तब तब इसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं और अनिष्टकारी घटनाएं होती है। और आपको बता दूं 15 दिनों के दौरान 2 ग्रहण आ चुके हैं, पहला सूर्य ग्रहण और अब चंद्र ग्रहण। और ज्योतिषों ने कहा भी था कि चंद्र ग्रहण का सीधा संबंध भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से होता है और वैसा ही देखने को मिला। अब भूकंप और चंद्र ग्रहण के बीच कनेक्शन को जानते हैं। देखिए आपको बता दूं, जब खास चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी पर भूकंप जरूर आता है। हालांकि यह बात भी सही है कि भूकंप उन दिनों में भी आए हैं जब चंद्र ग्रहण दूर दूर तक नहीं था। वहीं आपको बता दूं, भूकंप और चंद्र ग्रहण के संबंधों को भारतीय ग्रंथ और पुराण भी मानते हैं। ज्योतिष इन दोनों के बीच संबंधों को मानने की जोरदार दलीलें भी देते हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? देखिए दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में साइंटिस्ट इस संबंध को जानने में जुटे हैं और बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं होता। हालांकि सोशल साइट्स पर कई जगहों पर यह दावा करने वाली पोस्ट लगातार पब्लिश हो रही है कि विज्ञान माने या ना माने, लेकिन संबंध तो है, क्योंकि भले ही यह इत्तेफाक हो लेकिन जीता जागता उदाहरण है। चंद्र ग्रहण के दौरान कई ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि इसके बाद भूकंप आ सकते हैं और वैसा ही हुआ। और बड़ी बात तो यह भी है, राजस्थान के कई स्थानों में चंद्र ग्रहण के दौरान तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, कई जगह बिजलियां गिरी है, यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसी घटना घटित हुई है। और ज्योतिष के जानकारों ने यह दावा भी किया था कि इसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं चंद्र ग्रहण के दौरान हो सकती है। वहीं आपको बता दूं, प्राचीन भारत के एक विद्वान वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों को लेकर विस्तार से लिखा भी है। आपको बता दूं, वह एक महान गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अब जानते हैं वराह मिहिर ने उस समय क्या लिखा था। तो देखिए, उन्होंने लिखा था, जब भी ग्रहण पड़ता है या पड़ने वाला होता है तो उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक 80 दिनों के अंतराल में भूकंप आ सकता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी चंद्र ग्रहण जल और समुन्द्र को प्रभावित करता है, जिस वजह से ग्रहण के प्रभाव से बाढ़, तूफान, भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है। खास कर चंद्र ग्रहण के बाद धरती पर भूकंप आने के ज्यादा आसार रहते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है, जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, जिससे भूकंप के आने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण का सीधे तौर पर भूकंप से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में लगे चंद्र ग्रहण और उसके बाद आए भूकंप के आंकड़ों को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के बाद या पहले भूकंप आने की बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंद्र ग्रहण से पहले या कुछ दिन बाद भूकंप के झटके लगते रहते हैं। वहीं आपको बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गुंजन वासनिया का कहना है कि यह वैज्ञानिक घटना जरूर हो सकती है, लेकिन पृथ्वी में हलचल ग्रहण की वजह से ही होती है। और उनके मुताबिक ग्रहण का असर अभी अगले 3 महीने तक रह सकता है। इस दौरान इसी तरह की कुछ अन्य घटनाएं भी सामने आ सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है इसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। और यहां पर मैंने जो आपको जानकारी दी है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों के आधार पर ही आपको दे रहा हूँ। इसीलिए जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें।